दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तापसी पन्नू के बारे में। तापसी पन्नू का जन्म न्यू दिल्ली में जाट सिख परिवार में हुआ। उनके पिता दिलमोहन सिंह एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ निर्मल जी पन्नू एक हाउसवाइफ है। तापसी की एक छोटी बहन है जिसका नाम शगुन पन्नू है, जिन्हें वो जल्द ही बॉलीवुड में लॉन्च करने वाली है। तापसी पन्नू को बचपन से ही डांसिंग के लिए बड़ा ही पैशन था, इसलिए मात्र फोर्थ ग्रेड से ही कथक और भरतनाट्यम सीखने लगी थी, जिसे उन्हें सीखने में 8 साल लगे। स्कूल लाइफ पूरी होने के बाद वे गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने लगी, जहां वो अपनी बचपन की शौक को बरकरार रखते हुए अपनी 4-5 क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक वेस्टर्न डांस ग्रुप बनाई और अपनी टीम को लीड करते हुए इंटर कॉलेज कंपटीशन में कई इनाम भी जीतने में सफल रही। कॉलेज के दिनों में उनके लिए घर पर कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया था, जिसमें वो हमेशा अटक जाती थी। इन सब के बावजूद एक अमीर घराने के होते हुए भी उन्होंने ब्रांडेड चीजों से ज्यादा स्ट्रीट मार्केट में बिकने वाली वस्तुएं पसंद थी। खाने में भी उन्हें ढाबे और ठेले पर मिलने वाले छोले भटूरे और पानी पूरी ज्यादा पसंद थी। बहरहाल कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद MBA करना चाहती थी वो, और MBA एंट्रेंस एग्जाम में 88% नंबर लाने में सफल रही, पर वो उन अंकों के बदौलत अपनी मन भावी कॉलेज में एडमिशन ना पा सके, इसलिए वो अगले साल दोबारा से कैट की परीक्षा देने की सोची। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगी, जिसे वो 6 महीने बाद छोड़ दी। मॉडलिंग करियर। इन्हीं दिनों नेट पर सर्फ करते हुए चैनल वी का गेट गॉर्जियस पेजेंट के बारे में उसने जाना। उन्हें तुरंत फॉर्म्स भरे और कुछ फोटो भेजे और वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गई, जिसके बाद वो देश की पहचान जाने वाली हस्ती बन गई। फिर उसके बाद तापसी पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग और कई एड्स में काम करने लगी, जो उन्हें और भी पॉपुलर बना गया। साथ ही साफी फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्किन और पेंटालून फेमिना मिस फ्रेश फेस का अवार्ड भी जीतने में कामयाब रही। एक्टिंग करियर। जिस कारण साउथ फिल्मी दुनिया से ऑफर्स आने लगे उन्हें। शुरुआत में अनजान शहर और अनजान भाषा को सोचकर मना करती रही। जब उनके करीबियों ने उन्हें बताया कि साउथ फिल्मों में काम करने वाले कई ऐसे स्टार्स जो वहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, पर फिर भी वो वहाँ काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपना मन बदला और अपने पिता से ये कहते हुए धनुष के साथ साउथ की अंडुकलम तमिल फिल्म से डेब्यू की। यदि वो इस फिल्म में सफल नहीं रही तो सब कुछ छोड़कर MBA कर लेंगी, पर उनकी मेहनत और किस्मत ने उनका जबरदस्त साथ दिया। फिल्म इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि वो फिल्म उस साल रिकॉर्ड 6 नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रहा। फिर इसी के साथ जुमांडी नदम फिल्म से तेलुगु फिल्म दुनिया में भी वो लाजवाब डेब्यू की। फिर इसके बाद भी वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वो तेलुगु तमिल और मलयालम लैंग्वेज में एक नेटिव एक्ट्रेस की तौर पर काम करते हुए एक से एक फिल्म हिट दे चुकी है। यही वजह थी कि उन्होंने 2011 में तेलुगु फिल्म मिस्टर परफेक्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। 2013 में फेमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चश्मे बहादुर का रीमेक बना। अभी तक काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं तापसी, लेकिन पहले के वो 3 फिल्में नहीं चली, जिसके बाद उन्हें आयरन लेक का लेवल मिल गया। उन्हें फिल्मों के लिए बैड लक समझा जाने लगा। इन 3 फिल्मों में उनके साथ बड़े कोई स्टार्स थे और फिल्मों की नाकामी का आरोप उनके बैड लक के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन तापसी हार ना मानते हुए आगे बढ़ते गए और आज वो उस मकाम पे है जब उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। इसके बाद तापसी पन्नू ने कई हिट फिल्में की, जैसे बेबी, शैडो, आराम बम। वर्तमान में वो जुड़वा 2 मूवी कर रही है और अगली फिल्म आगरा का डावरा में आयुष्मान के साथ नजर आएंगी। उसका जन्म 1 अगस्त 1987 को हुआ। उसका वर्तमान एज है 30 इयर्स। वो न्यू दिल्ली में जन्मी। उसका हाइट है 5 फीट 6 इंचेस एंड वेट इज 58 kg। क्या आपको पता है तापसी का निक नाम मैगी है? ये नाम उनके बालों के वजह से रखा गया है। तापसी को इवेंट मैनेजमेंट में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो एक इवेंट कंपनी भी चला रही है जिसका नाम द वेडिंग फैक्ट्री है। वो एक बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार है। उसने 7 अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक्स।